पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन, इसे बने तकरीबन 68 साल का अर्सा गुजर चुका है। हम दिन ब दिन अपने मुल्क को तरक्की करता देख रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, मशीनें, खुशिकवा इमारतें और जिंदगी गुजारने के लिए जदीद सहूलतें और बहुत कुछ। 68 साल का ये तवील अर्सा गुजरने के बाद भी सिर्फ अमरा और रौसा इन सब सहूलियात से मुस्तफीद हो रही हैं और इस मुल्क की 5% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इन लोगों को बुनियादी जरूरियात तक हासिल नहीं है। अमीर अमीर से अमीर कर होता जा रहा है, जबकि गरीब गरीब से गरीब कर। इस गरीबी की बहुत सारी वजूहात में महंगाई और बेचौनी बहुत अहम है। तालीम, जिसकी पाकिस्तान के अवाम को तरक्की करने के लिए बहुत जरूरत है। गरीब लोग मुआशी बदहाली की वजह से अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने में नाकाम रहते हैं और युगल अखलाक से तंग आकर दो वक्त की रोटी के हसूल के लिए बच्चों को काम पर लगा देते हैं। वो आंखों जो ख्वाब देखने की मुस्तैद है, वो बेमेज और हसरत याद का शिकार होकर रह गई है। दूसरों को स्कूल जाते देखती हैं तो न जाने कितनी हसरतें और कितने शिकवे जुबान पर दम तोड़ जाते हैं। मेरा नाम उस्मान है, 13 साल मेरी उम्र है। मेरा अब चल सका जिंदा कहता है, मैं स्कूल पढ़ना चाहता हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है फिर मैं स्कूल की फीस दे सकूँ। मासी बदहाली के अलावा चाइल्ड लेबर की बड़ी वजह कसाई पसंदी और काहली भी है। बच्चों के वालिदैन नशे का आदि होकर काम करना छोड़ देते हैं और अपने बच्चों से काम लेने में कोई आर और शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। मेरा भी दिल करता है मैं पढ़ूं और गढ़वाल को मजबूरी करनी पड़ गई पैसों की, फिर मैंने काम शुरू कर दिया। फिर कमा के अब घर देता हूँ, मैं कुछ नहीं रखता, हर चीज़ घर पे देता हूँ पैसे वगैरह। मर्सिडीज गाड़ी में बैठने वाले और एसी की हवा में सांस लेने वाले इकतदार के झुके इन आँखों की हसरत और उम्मीद को कभी न समझ सके। इन बच्चों के जहनों पर भूख और बदहाली का खौफ सवार है। माँ बाप उन बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे जिनको इस दुनिया में लाने का मौजूद है। मैंने देखा एक मजदूर बच्चा, भोला भाला सा रंग था उसका, कुछ मुटियाला सा, आंखों में थे उसके कई सवाल, मुस्तकबिल क्या होगा मेरा, आज है जो ये हाल। पूछा मैंने उससे, स्कूल जाओगे, बोलो क्या है ख्याल। वो यूं बोला कुछ झुका कर अखियां लाल, अगर मैं स्कूल गया तो कैसे चलेगी मेरे घर की रोटी दाल, और वो जो ना मिली तो मेरी बीमार माँ हो जाएगी बेहाल, और बहन जिसके सर में उतरने लगी है चांदी कैसे जा पाएगी ससुराल। सुनकर उसकी बात मैं खुद ही से कर बैठी सवाल, मुस्तकबिल क्या होगा हमारा, आज है जो ये हाल। चाइल्ड लेबर को उस सूरत में कंट्रोल किया जा सकता है अगर हर कोई इंफरादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी ले। पाकिस्तान में बहुत सारी NGO लोगों की खसूसन बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के मुताबिक पाकिस्तान में 40 मिलियन में से 3.8 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर से मुंसलिक हैं। इनमें 50% बच्चे जरात, जबकि 50% दूसरे शोबा जात में काम कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर पर पाबंदी है, बल्कि यूरोपियन से तजारत पर इस वजह से बैन लगा दिया गया है कि ज्यादातर अशिया की तैयारी में चाइल्ड लेबर इस्तेमाल होती है। बच्चों को साढ़े को लोग काम लाते हैं, गुरबत बहुत ज्यादा वा, जिसकी वजह से काम सिखाते हैं, असं काम उन्होंने सिखाने, खर्चा पानी दिने, बस थोड़ा बहुत जो भी होंगे जो सा हिम्मत हो, होर गुरबत बहुत ज्यादा वा, जिसकी वजह से यह काम लोग बच्चों सिखाते हैं, पढ़ा नहीं सकते है, मजबूरी उन्होंने पैसे नहीं होने को है, यह मसले है, मजबूरियाँ लोगों ने बहुत ज्यादा वा ना, पैसे है नहीं लोगों के कोल पढ़ाने लिए बच्चों, काम सिखाते बच्चों, असं काम सिखाने, काम सिखाने टाइम लगता थोड़ा जहाँ, अभी खर्चा पानी उन्होंने देता वा जो भी हो, रोजाना 20-30 रुपए 50 रुपए
ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਕਾ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੋ ਪਾਵਰਟੀ ਸੇ ਹੈ। जब तक हम ये जो है पावर्टी को कंट्रोल नहीं करते, इस चाइल्ड लेबर जो है उस पर भी जो है कंट्रोल नहीं हो सकता। गो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन के लिए वो बेहतर हैं। अब स्कूल में आप देखें बच्चों को जो है वो फ्री बुक्स जो है वो मुहैया की जाती हैं। इसके बावजूद हमारी जो आपको पता है पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो बिलो पावर्टी लाइन जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। चाइल्ड लेबर के मुतालिक एक्ट और एनजीओज होने के बावजूद हुकूमत का चाइल्ड लेबर पर कंट्रोल के हवाले से कोई इकदाम अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि चाइल्ड लेबर पर पाबंदी लगाने के साथ साथ बच्चों के लिए एड प्लान और अलाउंस मुकर्रर करे ताकि कोई भी बच्चा ख्वाबों से महरूम न रह सके और पढ़ने लिखने वाले ये हाथ कभी सख्त जान और खुरदने ना हो सकें। काश मेरे चमन के फूलों के बारे में कोई तो सोचे।